Hello, my friends and my students. Good morning and good morning all of you. मेरे मित्रों, मैं आपको ये बता दूं, जो आरआरबी 2018 भारतीय रेल भर्ती बोर्ड रेलवे के ग्रुप डी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या इससे रिलेटेड जो चैप्टर से रिलेटेड अन्य को भी परीक्षा जो होती है जिसमें गणित आती है उससे रिलेटेड आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं, आज मैंने वीडियो नंबर 3 आपके लिए, इसके पार्ट का नाम आपका है भिन्न, तो इसको मैंने लेके आज आया है। और ये भिन्न जो है इसको क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको कि भिन्न कैसा होता है। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे तो ये भिन्न के बारे में ये होता है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, इसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। अब इसको मैं बताना शुरू करूंगा दोस्त, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका। ये वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करिएगा, और यदि मान लिया ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर रहा है, देन आपको अगर ये पसंद आता है तो इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकॉन की एक बटन होती है उसको आप प्रेस जरूर करिएगा, इससे आप तक के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करने पे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वो आप तक के पहुंचते रहेंगे। देखते रहिएगा, इसके पिछले वीडियो में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मुझे लगा ये वीडियो मैं आपके लिए फिर तैयार करूं। तो चलिए चलते भिन्न के बारे में जानते हैं, भिन्न क्या है। सबसे पहले भिन्न के बारे में जानकारी ले लेंगे कि जब किसी संपूर्ण संख्या को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक प्राप्त हिस्से को भिन्न कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कोई वस्तु है, या फिर ये बोलना कोई वस्तु एक वस्तु है, एक कोई वस्तु है और एक वस्तु को हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक भागे को क्या कहते हैं, हम भिन्न कह देते हैं, प्रत्येक भागे को भिन्न कह देते हैं। इस तरीके से आपको मैं यदि बता दूं, यदि मान लिया कोई संख्या है 2, अगर कोई एक वस्तु 2, इसको हमको 5 भागों में बांटना है तो 2/5, 2/5, 2/5, तो 2 चीज के हमको कितने हिस्से बनाना, दोनों के 5 हिस्से हमको बनाना पड़ेगा, ये कहलाएगा 2/5, तो ये कहलाता है भिन्न। अब सवाल उठता है भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं भिन्नों के प्रकार 3 होते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न होता है, जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। और जो थर्ड होता है ये होता हो जाता है आपका, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं ये फ्रैक्शन, और थर्ड जो हो जाता है उसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस तरीके से ये आपके पास 3 प्रकार के भिन्न हो जाते हैं, इसका बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। अब सपोज करें कि हम सबसे पहले लेते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसको जानकारी लेने के लिए हमको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको अपन कह देते हैं हिंदी में साधारण भिन्न। तो ऐसी संख्या जो x/y के रूप में प्राप्त की जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है, इसे हम साधारण या सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सिंपल फ्रैक्शन के भी कोई प्रकार हो सकते हैं, तो इसके भी हमारे 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन बोलेंगे उचित या समभिन्न, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या कह देते हैं, मैंने बताया अभी आपको, उचित या समभिन्न। दूसरा हो जाता है अनुचित, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आ गया पर, इम्प्रॉपर एंड हो जाता है फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो जाता है अनुचित, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कह देते हैं। तीसरा हो जाता है हमारे पास जो कि होता है मिश्र भिन्न, जिसको अपन मिक्सड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्सड MIXED मिक्सड फ्रैक्शन। तो ये जो होता है मिक्सड वाला, इसको अपन संयुक्त फ्रैक्शन के रूप से भी जानते हैं। चौथा हो जाता है कंपाउंड फ्रैक्शन, तो कंपाउंड फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यौगिक भिन्न भी कह सकते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन को यौगिक भी कह सकते हैं। पांचवा जो आता है इसको कहते हैं जटिल भिन्न होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, तो कह देते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इस तरीके से आपके पास कितने हो गए, आपके पास टोटल जो हुआ है ये 5 फ्रैक्शन हो गए। अब इनको अपन बहुत शॉर्ट में समझ लें, तो मैं बहुत शॉर्ट में इनको यहीं बता दूं, जो कि कम से कम समय में आपको ये वीडियो तैयार करके देना है। तो उचित भिन्न जो होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 2/3। समझिएगा क्या बात होती है, ऊपर की राशि कभी भी अंश कहलाती है
और नीचे की राशि कभी भी हर कहलाती है। जब ऊपर की राशि हमेशा कम हो और नीचे की राशि हमेशा ज्यादा हो तो ये क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है हमारे पास उचित भिन्न कहला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अनुचित भिन्न होता है तो अनुचित भिन्न क्या हो सकता है, अनुचित भिन्न ये होता है कि यदि मान लीजिए 4/3 लिखा हमारा, 4/3 या 2/8, 4/3 लिख सकते हैं या हम क्या बोलते हैं 6/8 लिख सकते हैं। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ऊपर की राशि यदि बड़ी और नीचे की राशि छोटी है तो ये होगा इम प्रॉपर भिन्न होगा। लेकिन अगर 6/8 लिखते हैं तो यहाँ ऊपर की राशि छोटी नीचे की क्या है बड़ी है तो यह आ जाएगा आपका प्रॉपर भिन्न के अंतर्गत या जाता है अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत इसको कह देते हैं। तीसरी बात हमारे पास जो आती है वो ये आती है कि मिश्र संयुक्त या मिक्स्ड, तो मिक्स जो है वो वर्ड इंग्लिश का मिश्र या संयुक्त भिन्न होती है। तो इसमें क्या हो जाते हैं जब कभी भी हम किसी अनुचित भिन्न को लिखते हैं और अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या या उचित भिन्न के रूप में लिखा जाता है, भिन्न में लिखा जाता है, तो वो मिश्र भिन्न कहला जाती है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिए 3 सही 1/9, तो यहां पर क्या हो जाता है 3 सही 1/9 इस संख्या को यदि मान लिया आप देना चाहते हैं तो ये कहला जाते हैं आपके मिश्र या संयुक्त भिन्न कहला जाते हैं। अब सवाल उठता है ये अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न है तो क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्या और उचित भिन्नों में इसको लिखा जाता है। अब सवाल उठता है कि मिश्र भिन्न अगर है तो मिश्र भिन्न को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप अनुचित भिन्नों में, तो ये कहलाते हैं एक्चुअल मिश्र भिन्न 3 सही 1/9, तो इसमें 9 3 27 और 1 28, 28/9 कर दिए तो ये हो जाता है एक्चुअल में अनुचित भिन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनुचित भिन्न जाते हैं। लेकिन अनुचित भिन्न कहीं दिया हुआ है, सपोज करो ये दिया है 28/9 दिया है, तो अनुचित भिन्न को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अनुचित भिन्न के लिए ये आता है कि आप 28/9 का भाग देते हो तो 9 3 27 हो जाएगा, बच जाएगा 1 सही 9, तो 3 सही 1/9 जाएगा। तो ये हो साथ ये हो जाता आपके पास अगर आप देखें कि मिश्र भिन्न को आपने एक अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर लिया या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर लिया, ये तीसरा प्रकार था। चौथे प्रकार की बात हम करना चाहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शंस। कंपाउंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यौगिक भिन्न, किसी भी भिन्न की अगर मान लिया भिन्न को हम देखें किसी भी भिन्न की भिन्न का मतलब ये हो जाता है जैसे 1/2 लिखा है और उसकी भी अगर लिखी है मान लिया 3/4 लिखा है, तो यहाँ पर जो का शब्द है ये गुणा की ओर जाता है, तो 1/2 का 3/4 ये कहलाता है भिन्न का भिन्न, और भिन्न का भिन्न जो हो जाता है ये कहला जाता है यौगिक भिन्न, जिसको हम कंपाउंड भिन्न के नाम से भी या कंपाउंड फ्रैक्शंस के नाम से भी जानते हैं। पांचवा जो हो जाता है वो जाता है जटिल भिन्न, और जटिल भिन्न क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स वाला, तो इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये हो जाता है कि किसी भी भिन्न में यदि अंश या हर या दोनों भिन्न हो, अंश या हर अंश हो भिन्न के रूप में या अंश हो या फिर दोनों हो जाए, जैसे मान लिया हमने बोले 4/7 लिख दिए और पूरे के बट्टे में यदि मान लिया आप 3/9 लिख देते हो या 3/8 लिख देते हो, तो दोनों के दोनों क्या भिन्न के रूप में, ऊपर का भी है नीचे का भी है, मतलब 4/7 ये भी अंश भी हो गया और हर भी हो गया, तो ये कहला जाता है आपका कॉम्प्लेक्स। अब आपने बोला अगर ऐसा नहीं है कि 4/ अगर मान लिया 7 और नीचे 8 है तो अंश का आ गया भिन्न के रूप में, या आपने लिख दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं 4/ जो है वो 7/8 है तो नीचे का आ गया, तो हर का जाए या अंश का जाए या अंश और हर दोनों का आ जाए किसके रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में जाए, तो ये जटिल भिन्न के रूप में कहला जाता है। अब यहां तक कि अभी आपने देखा और समझने की कोशिश किया पांच प्रकार के सिंपल फ्रैक्शन। अब इन सिंपल फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चंस को अपन समझने के पहले ये समझेंगे कि इसके पहले अपन जो इसका बेस क्लियर कर लें कि जो डेसिमल होता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जो पॉइंट नंबर मेन रूप से 2 होते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शंस को अपन सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के पहले अपने पास ये मन में एक प्रश्न उठता है कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो मतलब हिंदी में कहलाता है दशमलव, तो ये दशमलव तो दशमलव भिन्न क्या हो जाते हैं डेसिमल, तो इससे संबंधित अगर कोई चीज है तो आप ये जाने ऐसी भिन्न, कैसी ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या फिर 10 का कोई कोई गुणज हो जाए या 10 की किसी घात वाली संख्या हो जाए 10 की, तो वो क्या कहला जाता है, वो दशमलव भिन्न कहला जाता है। जैसे मान लिया हमने बोले 4 है, तो 4 की अगर 4/10 कर दें तो ये 0.4 हो जाएगा, ये दशमलव भिन्न है। अब ये भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर दिए। अब यदि मान लीजिए 4/10 ना हो 4/100 हो जाए, तो यहां पर डबल शून्य दिख रहा है तो हमारे पास इसका आंसर 0.04 ऐसा आ जाएगा यहां पर, तो हर में 10 हो या 10 का कोई गुणज हो तो ये वाली संख्या कहला जाती है, जिसको हम जनरल रूप से कह देते हैं जिसका हर जो होता है मतलब नीचे का मतलब डिनोमिनेटर होता है 10 या 10 की किसी घात वाली संख्या होना चाहिए अगर मान लिया, तो उसे अपन दशमलव भिन्न पद्धति के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपके सामने एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसके बाद में यह आ जाता है कि इसे मान लिया अगर हम जैसे कोई पॉइंट के रूप में लिख दिया, मान लिया अपन लिख दिया मान लिया सपोज करो कि 2.334, तो यहां पर जो ये 3 जो आता है ये इकाई का अंक के रूप में कहलाता है
और जो ये दूसरा थ्री आता है ये आपका दहाई के रूप में कहला जाता है, और जो लास्ट जो फोर आ जाता है ये आपका सैकड़ा के रूप में कहला जाता है। तो इकाई जो होता है, अंक जो होता है पहला वाला, इसको दसवां भागे का मतलब इसको कहते हैं दशांश, कहते हैं टेंट्स, कहते हैं इसको टेंट्स। और इसके बाद में जो हो जाता है ये जो अपन बोलेंगे दसवां भाग था, ये वाली इकाई नहीं बल्कि दसवां भाग बोलते हैं। और इसके जस्ट बाद में अगर मान लिया अपन दूसरा अंक में अगर अपन चलते हैं तो दूसरा अंक बोले तो ये जीरो पॉइंट के बाद में जो थ्री थ्री, तो सेकंड वाला जो थ्री है ये वाला आपका शतांश हो जाता है। शतांश को अपन क्या कह सकते हैं, अगर अपन इंग्लिश में चाहें तो शतांश को कहते हैं हंड्रेड कहते हैं, और थर्ड प्लेस में जो यहाँ पर फोर दिया हुआ है फोर्थ को अगर अपन कहते हैं तो ये सहस्रांश कहलाता है, तो ये कहला जाता है थाउजेंड्स कहला जाता है थाउजेंड्स। इस तरीके से यदि मान लिया आपसे बोला जाए कि थाउजेंड्स क्या है तो थर्ड प्लेस आफ्टर द डेसिमल, एंड शतांश क्या है, शतांश बोले तो हंड्रेड क्या है हंड्रेड्स, मतलब यहाँ पर हंड्रेड्स में आपको याद रखना पड़ेगा THS हंड्रेड्स, तो ये आफ्टर डेसिमल मतलब टू, आफ्टर टू डेसिमल होता है, मतलब डेसिमल के आफ्टर टू प्लेस होता है, और फर्स्ट प्लेस में जो होता है शतांश कहलाता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड इसकी डेफिनेशन में आपको ये चीज याद रखना है कि यदि मान लिया है आपसे कोई ये जो मालूम हो गया कि दशांश होता है शतांश होता है और सहस्रांश होता है, अब यदि मान लिया कोई पूछ ले कि अपूर्णांश और पूर्णांश संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कभी भी एक अंक ले लेंगे, जैसे मान लिया 3.3489 ले लिए, तो आप बिफोर द डेसिमल जो होता है दशमलव के पहले का अंक कभी भी पूर्णांश कहलाता है और दशमलव के बाद का अंक कभी भी अपूर्णांश कहलाता है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं, दशमलव के बाद एक एक नंबर करके पढ़ते हैं 3489 मतलब 3489, ऐसा कभी भी नहीं पढ़ना है कि 3489, ऐसा कभी भी नहीं पढ़ना है कि 3489 3.9, ऐसे नहीं पढ़ते। तो अपूर्णांश संख्या क्या होता है आफ्टर डेसिमल, और पूर्णांश क्या होता है बिफोर द डेसिमल हो जाता है। इस तरीके से अगर आपने बोल दिया कि ये पढ़ने का तरीका हो गया। अब यहां पर अगर बात हो जाती है कि कोई संख्या है दशमलव की संख्या है उसको भिन्न की संख्या में बदलना, तो मैंने आपको बताई दिया था कि जैसे मान लीजिए 0.4 है तो दशमलव को यहां पर 1 ले आएंगे और उसके बाद कितने अंक यहां पर दिए हैं 0 लगा देंगे, तो ये जाएगा 4.10। इस तरीके से हो सकता है अगर वहां दो अंक होते तो डबल बार हम 0 यहां लगा देते। अब सवाल उठता है कि भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। इसके जस्ट बाद में हमारे पास मेन बात यह जाती है कि दशमलव भिन्न जो होते हैं दशमलव भिन्न को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दशमलव भिन्न को कभी भी दो भागों में बांटा जाता है, याद रखेंगे दशमलव भिन्न को कभी भी दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो होता है वो शांत दशमलव भिन्न कहलाता है, शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। दूसरा जो कहलाता है वो कहला जाता है हमारा अशांत दशमलव भिन्न कहलाता है। तो शांत दशमलव भिन्न जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन कह देते हैं। और ये वाला जो कहलाता जाता है ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन कहला जाता है। अब इसके बाद अशांत दशमलव जो भिन्न था इसको यदि हम फिर से अगर मान लिया मतलब डिवाइड करके देखें तो ये कितने टाइप्स में हो जाएगा, तो दो प्रकार का फिर हो जाता है। ये पहला जाता है आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में हो जाता है, और दूसरा वाला जो हो जाता है ये हो जाता है आपका अनावर्ती दशमलव भिन्न के रूप में। ये हो जाता है आवर्ती दशमलव भिन्न को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और अनावर्ती दशमलव भिन्न जो होता है इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल कह देते हैं। इस तरीके से आपके पास ये बेस भी यहां तक क्लियर हो जाता है कि आप जैसे दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। अब शांत दशमलव भिन्न की परिभाषा ये हो जाती है कि जब कोई भी संख्या होती है कोई भी संख्या के जो हर होता है उसमें ज्यादातर दो या पांच का कोई गुणांक होता है या दो से या पांच से कोई भाग जाने वाला कोई अंक होता है तो दशमलव मतलब ये शांत दशमलव कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंश मतलब क्या बोलना चाहिए, अंश में अगर हर का हम भाग दे दें तो कुछ अंकों के बाद यह पूर्णता है उसका विभाजित हो जाना चाहिए इस पूरे अंक को। जैसे मान लिया हमने बोल दिया 2/5 तो यहाँ दो का भाग देंगे तो 0 पॉइंट उतार दिए, 0 के बाद पॉइंट उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 के 20 4 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया शांत दशमलव हो गया। और अगर मान लिया इस तरीके से अगर मान लिया कोई लंबी चौड़ी संख्या भी ले लें लेकिन वो धीरे धीरे करके पूर्णता नष्ट हो जाएगी समाप्त हो जाएगी खत्म हो जाएगी शांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव क्या होता है इसी का जो सेकंड पार्ट था, जो शांत दशमलव बताया सेकंड पार्ट इसका है, तो सेकंड पार्ट किस तरीके का है, सेकंड पार्ट इस तरीके का है कि यदि मान लिया आपसे सपोज बोला जाए कि जब किसी अंश में हर का भाग दें और वह भाग देने के बाद वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाए कंप्लीट ना हो पाए तो वो उसे अशांत दशमलव कह देते हैं। और वही भी संख्या रिपीट होने लगी, जैसे 1.3 हम ज्यादा कर लिया करते हैं तो इसका भाग अगर हम देंगे तो ये जाएगा 1 में 0 का भाग, 3 का भाग नहीं जाता तो हम 0 उतारेंगे दशमलव कर देंगे फिर 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 3 * 3 = 9 फिर 3 * 3 = 9 3 * 3 = 9 ऐसे कहां तक के हम जाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये अशांत दशमलव हो जाएगा। अब अशांत दशमलव में भी जो बात आती है तो उसमें भी ये आता है कि अशांत दशमलव कितने प्रकार का, तो थोड़ा नॉलेज के लिए अगर देखना चाहें तो ये जाएगा आवर्ती अशांत दशमलव जिसमें ये होता है 3 3 3 3 बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको 1 3 के ऊपर 2 3 में अगर मान लीजिए दो अंक का हमको लेना तो दूसरे वाले दशमलव दूसरे वाले अंक के ऊपर हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं। यहां पर ये भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आवर्ती अशांत दशमलव जो हम आपको बता रहे हैं जो भिन्न होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये फिर दो प्रकार का हो जाता है। पहली बात में अगर हम करेंगे तो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है
और दूसरा जो हो जाता है तो हो जाता है मिक्सड रिकरिंग एंड डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। ये क्या होते हैं अपन देखना चाहेंगे, तो ये मतलब हो जाता है कि शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध का मतलब ये हो जाता है कि यदि मान लिया हमने किसी संख्या में किसी का भाग दे दिया, सपोज करो 5 में 3 का भाग दे दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1.66666 आता जाएगा। इसका मतलब हम 1.6 तो कोई भी एक 6 के ऊपर हम क्या कर देंगे, आवर्त लगा देंगे, यहां पर एक निशान लगा देंगे डैश जैसा, तो ये हो जाता है शुद्ध हो जाता है कि उसके अंकों की रिपीटेशन अलग अलग नहीं आती। लेकिन अगर मान लिया हम बोलते भाई आवर्ती दशमलव जिसमें भिन्नों के दशमलव बिंदु के बाद अगर कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मान लिया हमने बोले सपोज करो कोई भी एक अंक है जैसे 17 में अगर मान लिया हमने आपको यहाँ पर 45 का भाग दे दिए, तो इस तरीके से यहाँ पर 0.3777 तो 7777 रिपीट हो रहा है। इसके बाद अगर हम रिपीट करें तो वो 0.3 और ये 7 के ऊपर हम बार लगाएंगे, जबकि यहाँ पर आप देख रहे थे 6666 आ रहा था, लेकिन दशमलव के बाद में एक से अंक आ रहा था, यहाँ दशमलव के बाद 2 प्रकार के अंक आ रहे हैं, तो ये कहला जाता है एक्चुअल में मिश्रित आवर्ती दशमलव कहला जाता है। इसके बाद आपके सामने एक प्रश्न ये उठ जाता है कि हमको इसके डिटेल के बारे में आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए ये हो जाता है यदि मान लिया आपके सामने कोई अंक दिया, सपोज करो 0.64 दिया है, 0.64 में अगर 64 के ऊपर अगर आवर्ती बार लगा हुआ है, यहाँ पर आवर्त लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर अंक में बार लगा होता है सबसे पहले तो हम उसको जैसे के तैसा लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे जो आता है उसमें नीचे जितने अंक के ऊपर ही बार लगा था उतने अंक में हम 99 लिख देते हैं। जैसे 2 अंक के ऊपर लगा था 2 बार नौ लिख देंगे। अगर सपोज करो ये 644 होता तो यहाँ पर 644 हम ऐसा लिखते और 644 के बाद 3 बार 9 लिख देते। लेकिन यदि मान लिया अंक इस तरीके का होता कि यदि मान लिया 2 दशमलव मान लिया आपके पास सपोज करो 2.3 है और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता, 2 तो हम पूरे पूरे लिखते और फिर 3 लिखते और 3 के ऊपर चूंकि एक अंक इसलिए इसके 2 के बटे क्या लिख देते 9 लिख देते। इस तरीके से संख्या क्या हो जाती है आपकी 2 सही 3/9 हो जाती है। तो ये आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के भी आपके पास तरीके होते हैं। इस तरीके से ये भी आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट आता है कि अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे जब किसी भी भिन्न के अंश में हर किससे भाग दे अगर हम किसमें अगर मान लिया अंश में अगर मान लिया हम भाग दे रहे हैं किसे दे रहे हैं हर से भाग दे रहे हैं तो भागफल अनिश्चित क्रम में बढ़ते हुए उसे अनावर्ती अशांत दशमलव के रूप में कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो अपन ने 14/ अगर ले लिया 23 ले लिया, अगर हम भाग देते हैं इसका तो 14/23 का अगर भाग देंगे आप 0.8689565 तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने किसी भिन्न के अंश मतलब ऊपर की जो संख्या थी 14 उसमें हर से हमने बोले तो नीचे की संख्या से भाग दे दिए, तो भाग देने पर भागफल हमारे पास जो भी आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या है अनिश्चित क्रम में बढ़े। अनिश्चित क्रम मतलब कोई निश्चित नहीं, जैसे यहाँ 60 देख रहे थे 86 आ गया 95 आ गया फिर 65 आ गया, तो कहीं 6 के बाद 0 आता है, कहीं 6 के बाद 9 आता है, कहीं 6 के बाद, तो ये क्या है ये निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहा, निश्चित रूप से बढ़ रहा है, तो कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। इस तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको पूरे पूरे समझ में आ सकते हैं और आ जाएंगे। इसके जस्ट बाद में जो पॉइंट नंबर हमारे पास तीसरा आता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा वाला जो है उसको कहते हैं सतत, ये कहलाता था सतत। तो सतत जो है वो भिन्न जो होता है उसको क्या कह देते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको सतत वाले को हम लंगड़ा भिन्न के रूप से भी जानते हैं, और जैसा कि पहले भी अपन ने इसके पूरे बेस में देखा था तो ये बिल्कुल क्लियर था, सतत को ही हम कह देते हैं कंटिन्यूड। तो इंग्लिश वर्ड भी इसका याद रखेंगे कि कंटी एंड ये हो गया न्यूड, कंटिन्यूड हो गया। अब ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार के भिन्न में अंश और हर लगातार बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 3-3/1 मतलब 3/1/8 और इसमें टोटल में अगर हम लेते हैं कि 1+1/7 ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3- में हो जाएगा और ये हो जाएगा 25/8 लघुत्तम निकालने के बाद में, और फिर नीचे हो जाता है 1 तो आ जाएगा फिर 1/8 और फिर पूरे 7 आ जाएगा। इस तरीके से इसको अगर आप हल करते हैं तो 3 तो आ ही जाएगा, फिर हो जाएगा 25/8 आ जाएगा 8 और ये फिर 7 ऊपर जाके पड़ जाएगा तो 7/1 कितना जाएगा 8 जाएगा। इस तरीके से 8 से 8 अगर कट जाता है तो ये जाता है 3 और ये फिर इसके 3 के जस्ट बाद में अगर आप देखेंगे तो ये कैसा आ सकता है, ये आ सकता है ऐसा कि मतलब इसको अगर अपन हल करें तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ चुका है इस वक्त 7 × 7 = 8 = 15 तो ये हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 तो था, इसके बाद में ये इसका अगर अपन ने गुणा किया तो 15 * 3 = 45 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 25 * 25 और ये नीचे जाएगा आपका फिर 15। हल होने पर यह आता है 20/15 जाता है, हल करेंगे तो 5 * 20 और 5 * 3 = 15, इस तरीके 4/3 ये मतलब लगातार इस रूप से उसके उत्तर आ सकते हैं। इस प्रकार के भिन्न में अंश और हर लगातार बढ़ते रहते हैं।
कोई भी क्वेश्चन इसके आप रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये थे आपके भिन्न से संबंधित, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जैसा समझाने की कोशिश की है इसके अनुसार आप करिएगा। अब जो भी आपके पास बुक्स आती है इससे रिलेटेड, उस रिलेटेड बुक से संबंधित आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। हमारी शुभकामनाएं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने फिर उपलब्ध की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।